नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आर्य समाज मंदिर में की जाने वाली शादी, शादी की प्रक्रिया, शादी में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स और लीगल मैरिज डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आर्य समाज मंदिर में शादी के समय सबमिट कराए जाते हैं। आर्य समाज मंदिर से शादी करना बहुत ही आसान है। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर आप आर्य समाज मंदिर से शादी कर सकते हैं। शादी के बाद आर्य समाज मंदिर से एक विवाह प्रमाण पत्र दोनों कपल्स को इशू किया जाता है, यानी एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट आर्य समाज मंदिर से मैरिड कपल को इशू किया जाता है, जिस मैरिड सर्टिफिकेट की पूरी तरीके से वैलिडिटी और लीगलिटी होती है। जी हाँ दोस्तों, इस मैरिज सर्टिफिकेट की पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त होती है। आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट के तहत की जाने वाली आर्य समाज मैरिजेस लीगली वैलिड होती हैं। आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट के तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख, ये 4 धर्म के व्यक्ति शादी कर सकते हैं। मुस्लिम्स, पारसीज, ज्यूस और क्रिश्चियंस पर आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता है, जिसका मतलब मुस्लिम, पारसीज, ज्यूस और क्रिश्चियन आर्य समाज मंदिर से शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इन 4 धर्म के व्यक्ति चाहें तो अपना शुद्धिकरण करा के, यानी अपनी स्वयं इच्छा, अपनी कंसेंट से अपना कास्ट कन्वर्जन करके आर्य समाज मंदिर से शादी कर सकते हैं। जनरली जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, उनके लिए आर्य समाज मैरिज एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट विकल्प रहता है। आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्य समाज मंदिर में शादी के लिए यूज होने वाले आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स की। पहला, लड़का और लड़की दोनों के 5-5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। दूसरा, लड़का और लड़की दोनों का एड्रेस प्रूफ, जिस प्रूफ के जरिए लड़का और लड़की दोनों अपनी एड्रेस डिक्लेयर कर सकें, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट, जिससे लड़का और लड़की अपना एड्रेस डिक्लेयर कर सकें। तीसरा, लड़का और लड़की दोनों का एज प्रूफ, जिससे लड़का और लड़की दोनों अपनी एज और डेट ऑफ बर्थ को डिक्लेयर कर सकें, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ चढ़ी हुई हो, या फिर कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट जिससे लड़का और लड़की अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिक्लेयर कर सकें। चौथा, लड़का और लड़की दोनों की तरफ से एक एक विटनेस यानी गवाह होना चाहिए, बशर्ते वो गवाह पूरी तरीके से बालिग हो और उसके पास एक एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। दोस्तों, वो गवाह आपके परिवार से भी कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर आपके दोस्त या फ्रेंड सर्कल से भी कोई व्यक्ति हो सकता है। अब हम बात करते हैं आर्य समाज मंदिर के लिए सबमिट कराने वाले लीगल मैरिज डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको कोर्ट से बनवाना पड़ता है और उसके बाद शादी के समय आर्य समाज मंदिर में सबमिट कराना पड़ता है। इन डॉक्यूमेंट्स को आप चाहें तो किसी एडवोकेट को हायर करके भी बनवा सकते हैं या फिर पूरी जानकारी होने पर खुद भी इन डॉक्यूमेंट्स को बनाया जा सकता है। पहला, मैरिज डीड। मैरिज डीड 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनाई जाती है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों इस बात की जानकारी देते हैं कि लड़का और लड़की दोनों इस शादी को अपनी स्वयं इच्छा, मतलब अपनी फ्री कंसेंट से कर रहे हैं और लड़का और लड़की इस शादी को करने के लिए पूर्ण रूप से बालिग यानी मेजर हो चुके हैं। दूसरा, एफिडेविट ऑफ ग्रूम यानी लड़के का शपथ पत्र। ये एफिडेविट 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है। तीसरा, एफिडेविट ऑफ ब्राइड यानी लड़की का शपथ पत्र, लड़की का एफिडेविट,
ये एफिडेविट भी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है। इन तीनों लीगल मैरिज डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट से तैयार कराने के बाद इन्हें नोटरी रजिस्टर में एंट्री कराकर नोटराइज कराया जाता है। आर्य समाज मंदिर से शादी करने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, शादी की डेट और समय फिक्स करना पड़ता है, जो कि आसानी से आपकी मनचाही डेट और समय की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको मैरिज फीस आर्य समाज मंदिर में जमा करानी पड़ती है, जो कहीं 1100, कहीं 2100, कहीं 5100, हर मंदिर में अलग अलग होती है। इसके बाद शादी की डेट पर आपको जयमाला और स्वीट्स आर्य समाज मंदिर में ले जाने होते हैं, और शादी के समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स शादी के समय आर्य समाज मंदिर में सबमिट कराए जाते हैं। इसके बाद आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के समान आपके जयमाला और फेरे कराए जाते हैं, और आपको शादी के बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपकी शादी लीगली और वैलिडली हो चुकी है और आप एक लीगली मैरिड कपल बन चुके हैं। आर्य समाज मंदिर से इशू होने वाले मैरिज सर्टिफिकेट की पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होती है, फिर चाहे वो पुलिस के सामने हो या फिर जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होती है। पर सिर्फ और सिर्फ यदि आपने इमिग्रेशन यानी यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट के लिए बतौर मैरिड कपल अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, उसमें रजिस्टर कराना पड़ता है। दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रेशन की वीडियो और उसका प्रोसीजर हम आपके लिए जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको आपकी मनचाही जानकारी मिली तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस को लाते रहें। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।